हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। आज हम अपने चैनल का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं और जिस वीडियो में हम एमपी सिविल जज को फोकस करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी सिविल जज के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति एमपी सिविल जज एग्ज़ाम देना चाहता है, कोई स्टूडेंट, तो उसके लिए उसको एग्ज़ाम जो होगा तो एग्ज़ाम के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। और बीच बीच में देखेंगे कि एग्ज़ाम किसके लिए आइडियल होगा और हम नेक्स्ट वीडियो ये भी ला के देखेंगे कि एमपी सिविल जज की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपन को कैसे करना है। तो सबसे पहले आज अपन मेनली चीज़ जिनके बारे में देखने वाले हैं वो है कि एमपी सिविल जज का एग्ज़ाम जो कराया जाता है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और इसका सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले हम एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करते हैं। तो ये जो एमपी सिविल जज का एग्ज़ाम होता है ये तीन स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू में। प्री अगर क्वालिफाई करते हैं तो हमें मेंस में देने मिलता है, मेंस क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आपको सिविल जज बनने का मौका मिल जाता है। और ये जो पोस्ट आती है वो सिविल जज सेकंड क्लास के रूप में आती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो एमपी में एग्जाम कंडक्ट कराता है वो एमपी में एग्जाम हाईकोर्ट कंडक्ट कराता है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स हैं वहाँ पर पीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन एमपी में जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो हाईकोर्ट के माध्यम से कंडक्ट कराया जाता है। ऐसी दो स्टेट्स हैं जो जितना मुझे याद है, एक एमपी एक दिल्ली, जहां पे एग्जाम आपका हाईकोर्ट कंडक्ट कराते हैं, बाकी अदर स्टेट में पीएससी कंडक्ट कराती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराता है, तो एमपी हाई कोर्ट कराता है। क्वालिफिकेशन अगर सबसे पहले बात करें कि जिनको एमपी सिविल जज देना है उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन की बात करता है कि जो व्यक्ति एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसको 21 ईयर से लेकर 35 ईयर्स तक होना चाहिए। अब ये एमपी के लोगों के लिए भी, और अगर कोई अदर स्टेट का व्यक्ति भी एमपी का एग्ज़ाम देना चाहता है तो बिल्कुल दे सकता है। केवल बस दो नीड्स है कि उसको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि एमपी में क्या है, आपको काम हिंदी पे करना होगा। और अगर आप इंग्लिश भी आती है अच्छी तो भी आप काम चला लोगे, बाद में आपको हिंदी सीख लोगे तो भी। तो बहुत सारे स्टेट वाले, जैसे आपका जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, वो उनके लिए ये एमपी का एग्ज़ाम आइडियल होता है। दूसरा, और यहां पे जो एमपी के निवासी हैं ओबीसी एससी एसटी, केवल एमपी के ओबीसी एससी एसटी, इनको 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब इनको 38 इयर्स मिल जाते हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में भी तो उनको भी ये रिलैक्सेशन मिल जाता है। दूसरा, आपको क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। अब डिग्री किसकी, एलएलबी की डिग्री चाहिए। तो एलएलबी की डिग्री आपको किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए और उस यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट और बार काउंसिल के द्वारा क्या मिलनी चाहिए, उसकी रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, मतलब उसकी अनुमति मिली हो। और वहां से अगर आपने कोई डिग्री ली है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ज्यादा आपको क्राइटेरिया नहीं है, मेन सीधा सीधा हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह का कोई नाटक नहीं है कि आपको 3 साल या 5 साल की, कुछ कुछ स्टेट्स में 2 साल 3 साल या 5 साल की प्रैक्टिस मांगते हैं, तो एमपी में कोई इस प्रकार का क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि एग्जाम कितनी स्टेजेस में होता है। 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, और तीनों स्टेजेस अपने में अलग अलग है। तो हम समझते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और किस प्रकार से वो चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री के बारे में बात करते हैं। जो प्री होता है वो 150 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ऑल क्वेश्चंस के आंसर आपको कंपलसरी होते हैं। एग्जाम सेंटर्स की बात करते हैं प्री के, तो जो एमपी की बहुत सारी स्टेट्स, एमपी की बहुत सारी सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, मतलब 8-9 जगह यहाँ पे इसके सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब एग्ज़ाम में भी क्या है, जो प्री होता है 150 में, तो इसको भी 3 पार्ट्स में आप मांग सकते हो, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। लॉ 110 नंबर का आपको लॉ पूछा जाता है, 20 नंबर का जी के जी एस पूछा जाता है, 10 नंबर हिसाब से इंग्लिश पूछी जाती है और 10 नंबर की कंप्यूटर, टोटल ये हो जाता है 150 मार्क्स। अब 150 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो लॉ का, क्योंकि आप सिविल जज के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको लॉ अच्छा आना चाहिए। अब लॉ में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, तो टोटल आपके सब्जेक्ट्स आते हैं 12, और सब्जेक्ट भी पहले से डिसाइडेड है, हर सब्जेक्ट का जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है इस प्रकार से। अब सब्जेक्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं, आपको किन किन सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करना है, अगर आप एमपी सिविल जज के बारे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं संबंध में, तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट पूरे के पूरे पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे कोई भी चैप्टर वाइज या पार्ट वाइज इसको डिवाइड नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का आता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटी के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
दूसरा सीआरपीसी साहब 15 नंबर का पूछा जाता है, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और आईपीसी, ये आपके चार सब्जेक्ट हो गए, ये आपके 15-15 नंबर के होते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, ये आपका 8 नंबर का पूछा जाता है, प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं और एमसीक्यू आता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, मतलब आपको कंप्यूटर में एग्जाम देना पड़ेगा। और पिछले साल अभी 2-3 सालों से अभी क्या चल रहा है, 2 साल से लगभग आप मान सकते हैं कि ये 2 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, पहले केवल एक शिफ्ट में एग्जाम होता था लेकिन अब 2 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, दोनों शिफ्टों में अलग अलग पेपर आता है और रिजल्ट दोनों का कंबाइन बनता है। इसके बाद टीपी आपका 7 नंबर की पूछी जाती है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 6 नंबर का, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसमें आप चेक वगैरह के संबंध में आप पढ़ते हो मामले, 5 नंबर का, MPLRC और MP accommodation, ये 2 आपके लोकल एक्ट्स हैं MP के, और ये 5-5 नंबर की पूछे जाते हैं। पहले लोकल एक्ट्स जब 100 नंबर का पेपर हुआ करते तो ज्यादा पूछे जाते थे लेकिन अब कम पूछा जाता है, इसीलिए क्या है अदर स्टेट्स वाले को बड़ा बेनिफिट है ये एग्जाम। और आखिरी आता है लिमिटेशन जो आपका ये 4 नंबर का पूछा जाता है, यहाँ पे 5 लिखा है आप इसको 4 कर लीजिए, 4 नंबर का टोटल आपका पूरा जाता है 110 नंबर। तो ये आपका 110 नंबर का प्री में आपका लॉ पूछा जाता है, इसके अलावा 40 नंबर का GK GS इंग्लिश कंप्यूटर पूछा जाता है। तो अपन ये भी देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जाता है, तो जी आपका, अब दूसरी चीज आप और देख सकते हैं कि जीके आपसे 20 नंबर का पूछा जा रहा है, तो जीके में आपसे बेसिक जीके पूछी जाती है, जैसे आप लूसेंट वगैरह भी आप पढ़ते हो और MPGK पढ़ लीजिए, आप एक लूसेंट ले लीजिए एक MPGK पढ़ लीजिए, अगर आपने 2 चीज़ों को कवर कर लिया आपका जीके लगभग लगभग पूरा हो जाएगा। दूसरा इंग्लिश, इंग्लिश में आपसे ग्रामर ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, एक आध क्वेश्चन आ सकता है, मेनली एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड आइडियम फ्रेजेस ये आपसे पूछे जाते हैं, ये आप 10 नंबर का आप देख सकते हो। और आप 10 नंबर का आपसे कंप्यूटर पूछा जाता है, कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है, कंप्यूटर के लिए भी आप परीक्षा मंथन या आप क्या बोलते हैं परीक्षा मंथन या लूसेंट ले सकते हैं, और उससे अगर आपको क्वेश्चन पूरी का पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका 10 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा। और ये जो मेनली क्वेश्चंस हैं इंग्लिश और कंप्यूटर के, ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये ऐसे बनता है 150 का। अब 150 में कितने नंबर चाहिए, तो देखिए 150 में अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो जितनी वैकेंसी है समझिए 100 वैकेंसी है, तो 100 वैकेंसी के 10 गुना बुलाए जाएंगे मेंस के लिए, मतलब 100 वैकेंसी में 1000 लोग। अब अगर 1000 लोग नहीं मिल रहे हैं कुछ, या अब 1000 लोग में कितने नंबर होने चाहिए व्यक्तियों के, तो यहाँ पे एक मिनिमम क्राइटेरिया भी बताया गया कि भैया आप कितने नंबर आने चाहिए, अगर आप जनरल से हो तो आपके 100 में से कितने 90 नंबर अप्रॉक्स आने चाहिए, और अगर ओबीसी SC ST से हो तो आपके 82 नंबर अप्रॉक्स आने चाहिए। लेकिन जो अभी हमने कट ऑफ देखी है तो जनरल की लगभग कट ऑफ अभी जो हालिया साल है जब 120 नंबर का जब से चालू हुआ पेपर, तो 120 से लेके 125 ये आपका सेफ स्कोर मान सकते हैं अपन, बाकी फिर पेपर पर डिपेंड होता है। और वहीं ओबीएससी ST का ये भी अलग अलग आपका क्या जाता है कट ऑफ जाता है, तो वो 90 तो नंबर किसी के नहीं आते, 90 पे सिलेक्शन नहीं मिलता, लेकिन मिनिमम है कभी पेपर डिफिकल्ट आए तो 90 नंबर तो आपको कम से कम सिक्योर करने पड़ोगे, तभी आप क्या होगे मेंस के लिए क्वालिफाई होगे। और मेंस में जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना बनाया जाता है। दूसरी बात, जब मेंस की लिस्ट बनाई जाती है प्री का रिजल्ट आता है तो ये कैटेगरीज वाइज आता है, समझिए 100 वैकेंसीज में 50 किसकी थी जनरल की थी, तो 50 में 500 लोग अलग जनरल के आएंगे, अगर 20 उसमें ओबीसी थे तो 200 लोग ओबीसी आएंगे, तो मतलब एक साथ रिजल्ट नहीं बनाया जाता, बहुत सारी स्टेट्स में एक साथ रिजल्ट बनाया जाता है। और जब वो फाइनल रिजल्ट आता है तो वो क्या कर देते हैं SC ST ओबीसी को वैकेंसी के हिसाब से अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पे शुरू से ही आपका क्या बोलता है MP सिविल जज में अलग अलग उसको कैटेगरी से प्री का भी रिजल्ट में भी आपका रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है। अब ये तो बात हुई आपकी प्री की, अगर किसी व्यक्ति ने प्री क्वालिफाई कर दिया तो उसको मेंस देना पड़ेगा। अब मेंस का क्या क्राइटेरिया, तो मेंस में 4 पेपर होते हैं MP में, और हर पेपर 100-100 नंबर का होता है, और पेपर 2 दिन होते हैं, 2 दिन में 4 शिफ्ट, मतलब 2 दिन में हर दिन में 2-2 शिफ्ट होती है, मतलब 4 शिफ्टों में आपके ये पेपर हो जाते हैं। और पेपर भी हम बता दें आपको जबलपुर में होते हैं, हर बार इसका ये फिक्स होता है कि पेपर आपके MP जबलपुर में, क्योंकि MP का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में, तो आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम सेंटर जबलपुर में होता है। और हर पेपर के लिए आपको 3 घंटा मिलता है, प्री के लिए आपको 2 घंटा मिल रहा था, यहाँ पे आपको 3-3 घंटे के, आप मान लीजिए आपको 2 दिन में 12 घंटे क्या करना है, राइटिंग करनी है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अब 4 पेपर होते हैं, चारों पेपर के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला पेपर होता है सिविल का पेपर, ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड होते हैं, जो सिविल का क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर बेस्ड होते हैं, और 100 नंबर का होता है। अब 100 नंबर में कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 8 नंबर के होते हैं, 8-8 नंबर के टोटल 16 नंबर। ऐसे ही CPC, TPA, कॉन्ट्रैक्ट और SRA के साथ भी है कि सबके 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारे के सारे 2-2 क्वेश्चन होते हैं, और 8-8 नंबर के तो 16-16 नंबर के होते हैं, और 16x5 हम करते हैं तो 80, तो 80 नंबर के तो आपके डायरेक्टली ये 5 सब्जेक्ट से आ गए 2-2 क्वेश्चन। इसके अलावा
इनमें क्या है, एसआरए में और लिमिटेशन में थोड़ा सा सिलेबस भी बता दिया गया कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी मेंस के लिए। दूसरा आपको बात करता है लिमिटेशन की। लिमिटेशन में केवल एक ही क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, और ये हो गया 88। और आखिरी में आते हैं 3 क्वेश्चन मिक्स, इन्हीं जो 6 सब्जेक्ट हैं इन्हीं में से शॉर्ट नोट्स आपको लिखने आते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और वो 3 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे 12, तो पूरा आपका 100 नंबर का ग्रैंड टोटल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पेपर। जो दूसरा पेपर होता है वो होता है आपका आर्टिकल राइटिंग। इसको बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन अपन को ऐसे के रूप में इसको नहीं लिखना है, निबंध के रूप में अपन को इसको आर्टिकल राइटिंग के रूप में लिखना है। आर्टिकल राइटिंग का जो पेपर होता है वो इस प्रकार होता है, देखिएगा, इसमें एक सोशल आर्टिकल आपको लिखना पड़ता है जो 30 नंबर का आता है। आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक लीगल आर्टिकल आता है जो आपको 20 नंबर का लिखना पड़ता है, तो हो गया 50 नंबर। इसके बाद समराइजेशन पूछा जाता है, एक समराइजेशन दिया जाता है हिंदी और इंग्लिश में, आप उसको समराइज करो कि आप उसको कम करके लिखता है, अपन बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जैसे एक 1/3 करके कोई चीज़ लिखनी पड़ती है, वो आपको करना है। इसके बाद ट्रांसलेशन, ये आपको थोड़ा इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आपकी कमांड होनी चाहिए हिंदी में। वैसे तो ऑफिशियल लैंग्वेज एमपी की हिंदी है, लेकिन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों आने चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे आपसे ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भी बड़े बड़े हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं या बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं सारी इंग्लिश में, लेकिन आपको वर्क किसमें करना है एमपी में, आपको जब तक आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक है तब तक आपको वर्क करना है हिंदी में। तो फिर भी 15 नंबर का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, 15 क्वेश्चन आपको सेंटेंस आते हैं और 15 सेंटेंस हिंदी के आते हैं, 15 इंग्लिश को आते हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना होता है। तो एक तो आपका ये हो गया, दूसरा पेपर ये भी आपका 100 नंबर का होता है। तो पहले दिन होते हैं ये दो पेपर, दूसरे दिन जो आप पहला पेपर देने जाते हैं वो आपको क्रिमिनल पेपर मिलता है, और ये भी सिविल के जैसे क्वेश्चन आंसर होता है। यहाँ पे सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, एमपीएलआरस और एमपी अकोमोडेशन एक्ट, इनके 8-8 नंबर के दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये टोटल बनता है 80 नंबर का। एक क्वेश्चन आपसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पूछा जाता है, तो टोटल होता है 88। और आखिरी में 3 मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इन्हीं 6 सब्जेक्ट में से किसी के भी पूछे जा सकते हैं, और ये शॉर्ट नोट के तौर पे आते हैं, तो टोटल आपका हो जाता है 100। तो ये तो आपका हो गया क्या, थर्ड पेपर। इसके बाद लास्ट पेपर आता है जिसको हम जजमेंट के पेपर के नाम से जानते हैं। जैसे आप जज बनते हो तो जजमेंट आपको लिखना पड़ेगा, तो जो जजमेंट का पेपर आता है इसमें 10 नंबर का इशू फ्रेम करने को आता है। ये सिविल में जब अपन सिविल जजमेंट लिखते तो इशू बनाते, तो अलग से 10 नंबर का इशू आपको लिखने आता है, और चार्ज फ्रेम करने का भी आता है आपको 10 नंबर का। इसके बाद जजमेंट लिखने आता है 40 नंबर का, सिविल जो जजमेंट आपको लिखना पड़ता है, और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का जजमेंट आपको लिखना होगा। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की अधिकारता है वही जजमेंट पूछे जाएंगे, वैसे ही जो क्रिमिनल जजमेंट पूछा जाएगा ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका फर्स्ट क्लास का पूछा जाएगा, और ये भी 40 नंबर का आता है, टोटल 100 नंबर का। तो ये तो आपका होता है 400 नंबर। अब 400 नंबर में आपको मिनिमम कितने चाहिए, वैसे तो मैक्सिमम अगर लिस्ट ऊपर जा रही है तो फिर तो आपको 400 में से 300 भी कभी कभार कम पड़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम की बात करें तो मिनिमम की बात की गई है इसमें कि 45% SC ST OBC के लिए, SC ST के लिए कम से कम 45, SC और ST के लिए 45% मार्क्स आपके लिए ज़रूरी हैं। मतलब इसका कंबाइन करके टोटल मतलब 400 में से आपके 180 होने ही चाहिए। इतना आना कभी कभार डिफिकल्ट हो जाता है ST के लिए, SC तो हो जाता है, ST के लिए कभी कभार इतने नंबर नहीं आते हैं, जो 2 साल से हम जो चीज़ें देख रहे हैं। इसके बाद 200 नंबर का आपका क्या आता है, 200 नंबर ओबीसी को और जनरल को कम से कम 200 नंबर चाहिए, तब आप क्या करते हो इंटरव्यू तक क्वालिफाई करते हो। और इंटरव्यू आपका होता है कितने नंबर का, ये आपका 50 नंबर का होता है, और इंटरव्यू में टोटल वैकेंसी के यहाँ पे 10% 10 गुना बुलाए जा रहे थे, यहाँ पे 3 गुना बनाए जाते हैं, मतलब 100 वैकेंसी है तो 300 लोगों को इंटरव्यू कॉल किया जाएगा लगभग, ऊपर नीचे हो सकता है आंकड़ा अगर सिमिलर मार्क्स वगैरह हैं। और मिनिमम मार्क्स आपको कितने चाहिए पड़ेंगे, मिनिमम मार्क्स जो पिछले साल से ही जो जोड़ा गया है आपको 20 नंबर चाहिए पड़ेंगे मिनिमम मार्क्स, और इंटरव्यू में अगर आपके 20 नंबर आते हैं तो फिर आपका क्या बनता है मेन्स की, इंटरव्यू का आपका अलग हो जाएगा, ये केवल क्वालिफिकेशन होता है, मेंस को प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपकी कट ऑफ बनेगी, और कट ऑफ के बाद अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और सबसे अच्छी एमपी सिविल जज के साथ ये चीज़ है कि एमपी सिविल जज की वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे आती है, एग्जाम बड़ा जल्दी हो जाता है नोटिफिकेशन की डेट से, जिस दिन नोटिफिकेशन आता है 2 महीने के अंदर आपका प्री हो जाता है, प्री के 2 महीने बाद लगभग 60 दिन के अंदर आपका क्या हो जाता है मेंस का एग्जाम होता है, मैंने ये लिखा हुआ था 60 दिन के अंदर। और जैसे मेंस का रिजल्ट आता है उसके 1 महीने के अंदर या 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर आपका इंटरव्यू हो जाता है, और इंटरव्यू के लगभग 2-3 महीने बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो पूरा 6 से 7 महीने का प्रोसीजर है, 6 से 7 महीने में आप वैकेंसी से सिविल जज तक आप पोस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो ये बड़ा ही एक अच्छा एग्जाम है,
और बहुत ही फेयर एग्जाम है, और जो भी लोग किस स्टेट से हम बार बार बोल रहे हैं कि जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है उस स्टेट से हैं, प्लस जहाँ पे हिंदी लोगों को जिनको इंग्लिश में दिक्कत आती है जिनकी हिंदी अच्छी है, जैसे यूपी वगैरह हो गया, राजस्थान के हो गए और भी बिहार वगैरह हो गए, तो ये लोग एमपी सिविल जज पे फोकस कर सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि दिल्ली और हरियाणा के बहुत से लोग यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। और आगे हम जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको एमपी सिविल जज की तैयारी किस प्रकार करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।